गाइस वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, कुछ रीजंस थे, बट श्योर हूँ कि आपके लिए ये वीडियो वर्थ इट है। पहली बात, काफी यूट्यूबर्स, उनके नाम नहीं लूंगा, जो कि बोल रहे हैं कि इस फोन में काफी हीटिंग इशू है, जो कि इस फोन में है भी, मैं मानता हूँ, लेकिन उतना नहीं है जितना वो लोग बता दे रहे हैं। कई लोग बिना इस फोन को एक साल यूज किए, बिना टेस्ट किए, बोल दे रहे हैं कि इस फोन की बैटरी एक साल बाद खराब हो जा रही है, बट ऐसा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इसी वजह से आप लोगों ने उस वीडियो में काफी कमेंट किया, मुझसे क्वेश्चन पूछा हीटिंग से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड, एंड मुझसे आप लोगों ने अपील किया कि इस फोन की बैटरी एंड हीटिंग टेस्ट की एक वीडियो लाई जाए। तो ये रहा वीडियो इस टॉपिक पर। एंड इस फोन की टेस्टिंग देखने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, ये फोन 13 महीने पुराना है, तो बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा नए से कम ही मिलेगा इस फोन का। एंड दूसरी बात, ये फोन मेरे हाथ में है, तो इसी वजह से ये वीडियो मैं गैलेक्सी A54 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस फोन की भी आपको वीडियो टेस्ट मिल जाएगी इस वीडियो के थ्रू। एंड तीसरी बात, मैं एकदम नॉर्मल यूजर की तरह इस फोन की टेस्टिंग करूंगा, लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर। तो सबसे पहले मैंने इस फोन की बैटरी चार्जिंग टेस्ट की, तो गाइस आप देख सकते हो अभी जो बैटरी परसेंटेज है वो 7% है, एंड जो फोन का टेम्परेचर है इस वक्त 31°C है। एंड मैं इस 25 वाट से इस फोन को अभी चार्ज करूंगा, अभी जो टाइम हो रहा है वो आप देख सकते हैं 12:37 हो रहा है। तो चलिए चार्जिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस आधे घंटे की चार्जिंग हो गई है, एंड जो बैटरी परसेंटेज है वो 58% है, मतलब कि 30 मिनट में 51% फोन और चार्ज हो गया है। बट दोस्तों जो टेम्परेचर है वो 37-38°C के अराउंड पहुंच चुका है, मतलब कि 60° टेम्परेचर में इंक्रीमेंट है। फिलहाल और चार्ज करते हैं, देखते हैं और कितना टेम्परेचर राइज होता है। तो गाइस फर्दर 20 मिनट के चार्जिंग में फोन का जो बैटरी परसेंटेज है वो 83% तक हो चुका है, मतलब कि 20 मिनट में और 25% फोन चार्ज हो गया है। एंड जो टेम्परेचर है वो मुझे सेम देखने को मिला 36-37°C के अराउंड, मतलब फोन को चार्ज करते टाइम फोन का टेम्परेचर 36-37° से ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि मैंने जब फुल चार्ज किया तब भी मैंने देखा, तब भी जो टेम्परेचर था वो इतना ही लगभग आ रहा था। एंड हमने पाया कि 73 मिनट में फोन 93% लगभग चार्ज हो जाता है, मतलब ओवरऑल कहें तो 0 से 100% फोन को चार्ज होने के लिए 75 से 80 मिनट चाहिए ही। एंड आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, शुरुआत के 30 मिनट में फोन 51% चार्ज हुआ था, एंड बाकी के 43 मिनट में 42% फोन चार्ज हुआ था। एंड एक बात आपको नहीं पता होगी, ज्यादातर फास्ट चार्जिंग वाले फोनों में ना शुरुआती स्टेज में सॉफ्टवेयर की मदद से फोन की बैटरी परसेंटेज जल्दी जल्दी राइज होती है, मतलब चार्जिंग आप लगाएंगे फोन तो जल्दी जल्दी बैटरी परसेंटेज बढ़ेगी, एंड लास्ट स्टेज में जाते जाते फोन की बैटरी परसेंटेज काफी धीरे धीरे बढ़ती है, ये आपने भी नोटिस किया होगा। तो सब मैं इस फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट करूंगा, देखूंगा कितना तेज हीट हो रहा है, कितना तेज बैटरी ड्रेन हो रहा है इंडोर आउटडोर दोनों में। गाइस दोपहर की 2:30 बजे वाली धूप है, अभी मैं ब्राइटनेस को फुल कर दे रहा हूँ S21 FE की। फोन की टेम्परेचर आप देख सकते हैं 34° के अराउंड है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, पहले मैं फुल HD 30 FPS पे रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, देखेंगे कितना तेज हीट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे लगभग 5 मिनट हो गया, देख सकते हैं 33°C के आसपास तापमान हो गया फोन का, 5 मिनट के अंदर ही 34 से 43 तक पहुंच गया है। वैसे धूप भी काफी तेज है दोस्तों, लगभग यहाँ का टेम्परेचर धूप में लगभग 34-35 डिग्री तो है ही, तो फोन का टेम्परेचर भाई जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो गाइस यहाँ पे लगभग 10 मिनट होने वाला है, आप देख सकते हो ऊपर से फोन फुल ब्राइटनेस पे भी है, उतना धूप भी है। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं 44.4°C के अराउंड टेम्परेचर 45 टच हो गया है गाइस। तो हमने जब स्टार्टिंग में रखा था फोन को तो 34 था, एंड लगभग 10° तापमान बढ़ गया है। अभी मैं देखना चाहता हूँ कि कितने देर बाद रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे 25 मिनट भी क्रॉस हो गया है, मैं डाउन हो जाऊंगा, कैमरा नहीं डाउन हो रहा है। 30 मिनट यहाँ पे क्रॉस हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं, एंड टेम्परेचर जो है 51 हो गया है। ओहो 51 के आसपास टेम्परेचर हो गया, फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं बंद हो रहा है, इंप्रेसिव यार। मुझे लगता है बंद ही नहीं होगा, मेरा स्टोरेज भर जाएगा लेकिन बंद नहीं होगा। तो गाइस फाइनली 40 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, अभी टेम्परेचर देखता हूँ मैं अभी कितना है, तो अभी भी 51.3 के अराउंड आ रहा है, 51.6, 50.6, मान के चलिए 52, 40 मिनट बाद 52। एंड मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डिंग बंद होगा, स्टोरेज भर जाएगा लेकिन रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा, क्योंकि मैं खुले इलाके में हूँ एंड सिर्फ मैं फुल HD में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं 4K में भी रिकॉर्ड करूँगा। गाइस आपने देखा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते टाइम लगभग टेम्परेचर 35°C था, एंड 10 मिनट रिकॉर्डिंग होने के बाद जो टेम्परेचर था वो 10° लगभग बढ़ गया था, लगभग 45° के अराउंड हो गया था। एंड वहीं आधा घंटा बाद 51°C हो गया था, एंड 40 मिनट तक मैंने रिकॉर्डिंग टेस्ट की तो जो टेम्परेचर था वो 52-53°C के अराउंड हो गया था। एंड 40 मिनट के रिकॉर्डिंग के बाद जो बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हैं 82% है, लगभग 18% बैटरी ड्रेन हुई है फुल HD 30 FPS पर, सही है वैसे। एंड ये जो किस्सा था पूरा फुल HD 30 FPS पर था, अब मैं रिजोल्यूशन को चेंज करूंगा 4K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग करूंगा, बट उससे पहले फोन को ठंडा भी करना पड़ेगा, 35° के अराउंड इसकी टेम्परेचर मुझे करनी पड़ेगी, पानी गिराना। एंड गाइस अभी मैं ब्राइटनेस को पहले फुल कर देता हूँ, फिर जो कैमरा सेटिंग है
4K 30fps कर दिया मैंने, देख सकते हैं आप। अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं 4K 30fps में 16 ही मिनट की बस रिकॉर्डिंग होगी। एंड जो टेम्परेचर है अभी आप देख सकते हैं 36.2 के अराउंड है, तो देखते हैं कितनी देर तक रिकॉर्डिंग हो पाती है। तो गाइस देख सकते हैं 1.5 मिनट की रिकॉर्डिंग में 40 डिग्री तापमान पहुंच गया है फ़ोन का 4K 30fps में। तो गाइस यहाँ पे 8 मिनट की रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है एंड जो टेम्परेचर है वो 46 डिग्री के अराउंड हो चुका है। तो यहाँ पे लगभग 10 डिग्री तापमान बढ़ गया है 8 मिनट की रिकॉर्डिंग में। तो गाइस 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है एंड जो टेम्परेचर है वो देख सकते हैं 46 डिग्री के आसपास अभी भी है। जानते हैं क्यों टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा है, अभी थोड़ा हवा चलने लगा है हल्का फुल्का, इसलिए टेम्परेचर कम हो जा रहा है। मेरे फोन में स्टोरेज ने 16 मिनट 43 सेकंड तक की वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाएगी, तो मैं अभी इसी वीडियो को डिलीट करके फिर से रिकॉर्डिंग तुरंत ही स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे 16 मिनट हो गया, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, वीडियो हो गया डिलीट, फिर से मैं रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे लगभग 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है एंड जो टेम्परेचर है वो 49 डिग्री के अराउंड पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है एंड रिकॉर्डिंग बंद भी हो गई है, स्टोरेज भर गया था, हीट होके नहीं बंद हुआ है, नोटिस करिएगा। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 49.5 डिग्री के आसपास है। तो फिर से मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, 10 मिनट और मैं करूँगा, उससे पहले मैं वीडियो डिलीट कर दूँ क्योंकि स्टोरेज है नहीं। 10 मिनट और करूँगा जिससे आपको पता चल जाए 40 मिनट में कितनी बैटरी ड्रेन होती है। तो गाइस यहाँ थोड़ा समय नीचे चला गया था तो 12 मिनट हो गया। खैर टेम्परेचर देखते हैं, तो टेम्परेचर देख सकते हैं 48 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आ रहा है। मैंने कहा ना अभी थोड़ा हवा ज्यादा तेज चलने लगा, इसी वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया है। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं एंड जो रिकॉर्डिंग के बाद बैटरी परसेंटेज वो देख सकते हैं 56 हो गया है। तो गाइस 4K 30fps पे 40 मिनट के रिकॉर्डिंग के बाद जो टेम्परेचर था फोन का वो 49 या 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पहुंच गया था। वहीं फुल HD पे मैं जब रिकॉर्ड किया था तो 52 डिग्री के अराउंड पहुंच गया था, बट फुल HD पर रिकॉर्डिंग में 10 डिग्री का तापमान 10 मिनट में पहुंचा था, वहीं 4K 30fps में सिर्फ 8 ही मिनट में पहुंच गया था। बट दोस्तों जो यूट्यूबर्स बिना बाहर टेस्टिंग किए हुए बोलते हैं कि ये फोन ज्यादा हीट होता है, ब्लॉगिंग वगैरह आप नहीं कर सकते, वो यूट्यूबर्स भी ये वीडियो देख ले भाई, मैंने फुल टेस्टिंग की है, बाहर थोड़ी हवा पास उस करती है तो फोन कम हीट होता है, रिकॉर्डिंग आप जितना चाहे उतना देरी तक कर सकते हैं, फोन हीट होके बंद नहीं होगा। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जब आप बंद कमरे में रिकॉर्डिंग करते हैं फैन वगैरह नहीं चलता है तभी फोन की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक बंद हो जाती है गर्म होकर। तो गाइस अभी मैं इंडोर में आ चुका हूँ, सारी लाइट पंखा बंद है, दरवाजा क्लोज है, जंगला भी क्लोज है एंड मैं अब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। सेट कर देता हूँ पहले फुल HD 30fps पर एंड अभी आप टेम्परेचर देख सकते हैं कितना है डिवाइस का, 34.6 अराउंड है, नॉर्मल है, ठीक है। तो मैं ये रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ। अभी जो वीडियो बंद रूम में रिकॉर्ड हो रहा है कोई हवा भी नहीं पास कर रहा है, तो देखिएगा अभी कितना तेज टेम्परेचर राइज होगा डिवाइस का। ऐसे अभी तो फुल HD पर है, जब मैं रिकॉर्ड करता था वीडियो अल्ट्रा HD 30fps पर तो कुछ ज्यादा ही हीट हो जाता था जल्दी से फोन। मैं अभी आपको सारे रिजल्ट शो करूंगा, देखते रहिए बस। एंड इतना मेहनत कर रहा हूँ धूप में गर्मी में बंद कमरे में, एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। बस 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग होने वाली है नियरली एंड अभी टेम्परेचर मैं देख लूँ कितना हुआ, देख सकते 42 डिग्री हो गया है, 36 था 42 हो गया है। वैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग 20 मिनट तक करूंगा जिससे आपको टेम्परेचर राइज का पता चल जाएगा कि फुल HD में कितना टेम्परेचर राइज होता है 20 मिनट में एंड साथ में बैटरी ड्रेन का भी अंदाजा लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है एंड टेम्परेचर मैं चेक कर लेता हूँ, टेम्परेचर 46 डिग्री है, देख सकते हैं 46.5 के अराउंड मिल रहा है अलग अलग पार्ट्स में फोन के। एंड अभी मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ एंड जो बैटरी परसेंटेज है वो 46% है, आप देख सकते हैं। तो भाई अभी जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है, तो इस वजह से हमको टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा अल्ट्रा HD पर रिकॉर्ड करने के। तो गाइस टेम्परेचर को अभी मैंने कुछ कम कर दिया है काफी हद तक, तो 33 डिग्री के आसपास हो गया है, ठीक है। यहाँ पे फुल HD 30fps पे तो अल्ट्रा HD 30fps पे मैं कर दिया हूँ, ठीक। अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ, बैटरी परसेंटेज आप लोग देख लीजिए तो 45% है। तो गाइस यहाँ पे 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई है, अभी हीट में चेक करूँ देख सकते 42 डिग्री पे पहुंच चुका है टेम्परेचर। एंड गाइस मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग 20 मिनट तक करनी है लेकिन मेरे फोन में स्टोरेज नहीं है, दैट्स व्हाई 14 मिनट तक की वीडियो रिकॉर्डिंग हो पाएगी। तो मैं क्या करूंगा, वीडियो कट करके फिर वीडियो डिलीट करके फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा एंड फिर एक्स्ट्रा 6 मिनट रिकॉर्ड करूंगा। एंड गाइस मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि रूम के अंदर 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो पाती है, उसके बाद कैमरा स्टॉप हो जाता है। एंड मैंने ये भी बोला था रूम टेम्परेचर 38-37 डिग्री सेल्सियस रहती है तब, बट आज का कंडीशन कुछ ऐसा है दोस्तों, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, रूम टेम्परेचर देख सकते हैं सिर्फ 33.7 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि मेरे वहाँ अभी कल ही बारिश हुई है एंड आज का मौसम थोड़ा ठंडा है, दैट्स व्हाई मे बी 20 मिनट बाद भी वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहे। वही मैं फोन का टेम्परेचर दिखाना चाहता हूँ कितना ज्यादा राइज हो गया, देख सकते हैं 50 डिग्री के आसपास होने वाला है टेम्परेचर, 48.9
49.7 के आसपास, 50 डिग्री हो भी गया है वैसे, काफी तेज टेम्परेचर राइज हुआ है। सिर्फ अभी कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, 14 मिनट इधर हुआ था, ये 1 मिनट 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है। तो अब आप सोच कर देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर रूम का 38 डिग्री सेल्सियस रहता है तो फोन का टेम्परेचर कितना हाई हो जाता होगा, तो रिकॉर्डिंग जाहिर सी बात है ऑफ हो जाती है। एंड गाइस यहाँ पे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने वाली अल्ट्रा एचडी पर, यहाँ पे मैं टेम्परेचर दिखा दूँ तो 50.5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, जो कि फुल एचडी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही है। एंड जो बैटरी परसेंटेज हुई है वो 34 हो गई है। एंड वैसे मैं अभी भी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करूंगा, देखूंगा कब जाकर वीडियो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हाई टेम्परेचर की वार्निंग आ चुकी है एंड कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो गया। लगभग 30 मिनट तक पहुंच गया रिकॉर्डिंग, तब जाकर कैमरा बंद हुआ है। तो गाइस जो वीडियो रिकॉर्डिंग बैटरी टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिला इंडोर आउटडोर दोनों में, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि 4K रिजोल्यूशन में थोड़ा बैटरी जल्दी ड्रेन भी होती है एंड थोड़ा फोन हीट भी जल्दी होता है। एंड गाइस अभी 27% बचा हुआ है बैटरी, तो अभी मैं एडिटिंग थोड़ा करूंगा। तो गाइस बैटरी 27% ही तभी से मैं वीडियो एडिट कर रहा था एंड फिल्मोरा गो मैंने यूज कर लिया 20 मिनट एंड बैटरी परसेंटेज 23% हो गई है, तो 4% की बैटरी ड्रेन हुई 20 मिनट की एडिटिंग करने पर। नाउ गाइस अब मैं इस फोन से कॉलिंग टेस्ट करूंगा 10 मिनट का पैक्ड रूम के अंदर, जहां एसी पंखा सब बंद है एंड फोन स्पीकर पे भी रहेगा। तो गाइस कॉल टेस्ट के दौरान स्टार्टिंग में बैटरी परसेंटेज 90% थी एंड जो टेम्परेचर था डिवाइस का वो 38-39 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था। एंड जब 10 मिनट की कॉलिंग कंप्लीट हो गई तब मैंने चेक किया तो बैटरी परसेंटेज 89 थी एंड जो टेम्परेचर था डिवाइस का उल्टा घट गया, 35-36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। टेम्परेचर घट गया उसका मतलब कि जो रूम टेम्परेचर है उसके बराबर आ गया टेम्परेचर। तो अगर आप स्पीकर पे भी बात करते हैं तो कॉलिंग के दौरान उतनी हीट नहीं होती है डिवाइस। नाउ गाइस अब आ रही है वीडियो एंड स्पीकर की, मैं 20 मिनट तक टेस्ट करूंगा, देखते हैं बैटरी कितना ड्रेन होता है एंड कितने टेम्परेचर बैटरी का राइज होता है। अभी भी मैं उसी कंडीशन में हूँ, पैक्ड रूम के अंदर हूँ, कोई फैन एसी नहीं चल रहा है। तो गाइस पहले मैंने ब्राइटनेस को पूरा फुल कर दिया एंड आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 97 है एंड फिर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो चलाकर छोड़ दिया एंड वॉल्यूम को पूरा फुल कर दिया एंड जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग में वो 34-35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मिल रहा था। फिर मैंने 20 मिनट तक वीडियो चलाकर छोड़ दिया पूरे फुल वॉल्यूम पर एंड 20 मिनट बाद मैंने चेक किया तो जो टेम्परेचर था वो बढ़कर हो गया था 37-38 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि 2-3 डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाती है 20 मिनट। एंड जो बैटरी परसेंटेज थी वो 91 पर आ गई थी, मतलब कि 6% बैटरी ड्रेन हो जाती है 20 मिनट में वीडियो एंड स्पीकर को साथ में यूज करने पर। नाउ गाइस जब हम गेमिंग टेस्ट करेंगे, गेमिंग टेस्ट करने से पहले हमें गेम को डाउनलोड भी करना पड़ेगा। तो भाई जब मैंने पबजी को डाउनलोड करना शुरू किया ना तो देख सकते हैं कितनी तेजी से डाउनलोड हो रहा है। जियो 5G यहाँ पे नहीं है, एयरटेल 5G मैं यूज कर रहा हूँ तो रियल टेस्ट आपको मिल रहा है। एंड 736 MB का जो पबजी है ना दोस्तों वो सिर्फ 26 सेकंड में डाउनलोड हो गया है। वैसे दोस्तों पबजी तो आ गया है, मैंने डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन जो गेम है ना वो चल नहीं रहा था, देख सकते हैं आप एरर कुछ दिखा रहा था, इसी वजह से मुझे COD डाउनलोड करना पड़ेगा अब। एंड जब मैंने COD को भी डाउनलोड करना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं एयरटेल 5G की स्पीड कितनी तेज मिल रही थी। तो गाइस जो लोग पूछ रहे थे कि इस फोन की 5G कनेक्टिविटी कैसा है, उनके लिए मैं लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि एयरटेल 5G की स्पीड कितनी मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव स्पीड चल रही है, यहाँ देख सकते हैं ओवरऑल जो स्पीड मिल रही है 350 MB/s मिल रही है। एंड दोस्तों गेमिंग स्टार्ट करने से पहले जो बैटरी परसेंटेज थी वो थी 71 एंड जो डिवाइस का टेम्परेचर था वो था 35-36 डिग्री के अराउंड। एंड गेम खेलते समय मैंने ब्राइटनेस को भी फुल रखा था एंड स्पीकर के वॉल्यूम को भी फुल रखा था एंड जो ग्राफिक सेटिंग थी वो भी मैंने हाई पे करके रखा था। गेम शुरू होने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, ये देखिए स्टोरेज जो है ना फोन का, मैं रिफ्रेश करके दिखा दूँ, 6 GB 128 GB में तब भी कितना स्मूथली फोन वर्क कर रहा, कितना आराम से मैं भी दूसरे ऐप पे स्विच कर जाऊँगा। देख सकते हैं मान लीजिए प्ले स्टोर खोलना, प्ले स्टोर आराम से, ठीक कोई भी मैं ऐप मान लीजिए गैलरी खोलना है तो गैलरी में काफ़ी आराम से देख सकते हैं। यही चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस फोन की हमेशा से। एंड एक चीज़ और मैं रूम टेम्परेचर आपको दिखा दूँ, रूम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है एंड मैंने गेम स्टार्ट किया था 35-36 डिग्री पे एंड आफ्टर 20 मिनट 41-42 डिग्री के अराउंड पहुंच चुका है। तो 20 मिनट की गेमिंग में जो टेम्परेचर राइज है 5-6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाता है COD प्लेइंग में, वो मेरा स्टोरेज भी फुल है, बैक कवर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस 5:11 हो गए, आधे घंटे की गेमिंग हो गई है, अभी मैं आपको हीट दिखा देता हूँ कितना हो गया डिवाइस, 41 के अराउंड हो चुका है देख सकते हैं, 40-41, टेम्परेचर कुछ ज़्यादा नहीं राइज हुआ है एंड जो बैटरी परसेंटेज इस वक्त वो 60% हो गई है, तो लगभग 11% बैटरी ड्रेन हो जाता है आधे घंटे की गेमिंग एंड 5-6 डिग्री की टेम्परेचर राइज हो जाती है। एंड परफॉर्मेंस जो मिली वो मुझे काफ़ी डिसेंट मिली, आपने देखा भी होगा गेमिंग करते वक्त मुझे। तो गाइस गेमिंग की बैटरी टेस्ट आपने देख ली, वहीं मैं बैटरी यूजर्स की बात करूँ तो शुरुआती स्टेज में जब मैं इस फोन को चार्ज करता था
तो एक फुल चार्ज पे लगभग मैं 6-7 घंटे आराम से इस फोन में निकाल लेता था। बट अभी का जो बैटरी यूजेज है वो आप देख सकते हैं, 10 आवर की यूजेज है एंड 2 बार नियरली मैं 90% फोन को चार्ज किया हूँ। एंड इस वाले में देखे तो 6.5 आवर की यूजेज है, एक बार 100% चार्ज किया था, एक बार 40% के लगभग। एंड इस दिन मैं कैमरे को थोड़ा ज्यादा ही यूज किया था, इसीलिए थोड़ा बैटरी ज्यादा ही जल्दी ड्रेन हो गई थी। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा हर एक ऐप यूज करते हैं नॉर्मल डेज की तरह, तो बैटरी परसेंटेज 1 साल बाद बिना आपको इस फोन में 5-6 घंटे की आराम से मिल जाएगी लगा। बट हाँ, जितनी भी मैंने टेस्टिंग की उसके हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा टेम्परेचर राइज होता है, बट 40-45 हज़ार के हर फोन में इतना टेम्परेचर राइज होता ही है। एंड अभी तो ये फोन सिर्फ 32,000 का है, तो कहीं सुनी बातों पर मत जाइए, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था आपसे। तो ये एक फ्लेक्सिबल फोन है जो आपको सैमसंग काफी कम प्राइस पे दे रहा है, बाकी आप समझदार हैं एंड कमेंट बॉक्स 24x7 खुला होता है, कोई भी सवाल बेहिचक इस फोन से रिलेटेड पूछ सकते हैं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।